Welcome to another class of Introduction to Sociology. In the previous lecture, we studied the class system, Tabqati Nizam. Tabqati Nizam mein humne padha ke kaise daulat, paisa ya kisi ki job, shohrat, powers, knowledge, skills ya achievements, ye sari cheeze jo hain एक बंदे के सोशल क्लास को आइडेंटिफाई करती हैं और सोशल क्लास में चेंजेस जो हैं ये पॉसिबल हैं। इसके बाद हमने पाकिस्तान में सोशल क्लास स्टडी की, इसकी वीडियो मौजूद है, आपको मैं लिंक भेज दूंगा। तो इसमें अपर क्लास में ये वाले लोग हैं, बैंकर्स हैं, मिलिट्री लीड है, फिर लोअर अपर क्लास है, फिर लोअर मिडिल क्लास है, फिर लोअर मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास, फिर अपर लोअर क्लास है और लोअर क्लास, फिर स्टूडेंट्स और हाउसवाइफ का स्टेटस जो है उनके इंस्टीट्यूशन। अगर आप अच्छे इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं, अच्छी डिग्री में पढ़ रहे हैं, अच्छे प्रोग्राम में, तो आपकी आपका क्लास जो है हाई है। अगर कोई हाउसवाइफ है तो उसके फैमिली पर डिपेंड करता है कि उसके फैमिली में लोग क्या जॉब कर रहे हैं, क्या स्टेटस है उनका, ठीक है। क्रिमिनल्स में, ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स जो होते हैं, जो गैंग होते हैं, बदमाश जिसे हम कहते हैं, ठीक है, तो उनका स्टेटस थोड़ा माशरे में हाई होता है। लोग उसको अक्सर आपने देखा होगा, जी भाई जान राजे बखैर आले। स्ट्रीट क्रिमिनल जो होते हैं, यानी कोई मुर्गी चोरी करता है, साइकिल चोरी करता है, इनका स्टेटस थोड़ा लो होता है। फिर हमने कास्ट सिस्टम को स्टडी किया, ठीक है, कास्ट सिस्टम, जात पात। तो इसमें मुस्लिम कास्ट सिस्टम जो है पाकिस्तान में जो राइज है, अभी तो इतना नहीं है लेकिन इंडिया में थोड़ा बहुत है, उसमें अशराफ वो लोग हैं जो बरसगीर पाको हिंद में एज कॉन्करर्स आए हैं, फाते आए हैं या सूफी बुजुर्ग आए हैं। इस्लाम उन्होंने तबलीग से, सूफियाना कलाम से या तलवार से आए हैं। इजलाफ वो लोग हैं जो के अपर क्लास के हिंदूज हैं और वो कन्वर्ट हुए एज मुस्लिम्स। फिर अर्जाल वो लोग हैं जो के लोअर कास्ट हिंदूज थे, ठीक है, और वो मुसलमान हुए हैं। फिर हिंदू का सिस्टम तो आपको पता है कि ब्राह्मण, वेश, शूद्रा एंड क्षत्रिय, क्षत्रिय वॉरियर्स हैं। ब्राह्मण जो हैं वो रिलीजियस हैं, वेश्या जो है कारोबारी है, शूद्रा जो है वो इंडिपेंडेंट। अभी हम आते हैं जेंडर स्ट्रेटिफिकेशन की तरफ। सो नाउ वी विल कम टू जेंडर स्ट्रेटिफिकेशन। What is happening? So gender means sinf. Urdu में हम gender को sinf कहते हैं, ठीक है, sinf। यानी अक्सर हम, आप form जब भरते हैं तो आपको बताया जाता है कि male है या female है, ठीक है, तो इसको हम उर्दू में सिंफ कहते हैं, ठीक है, सिंफ नाजुक, सिंफ मजबूत तो खैर मर्दों को नहीं कहते। तो अक्सर लोग इसको जिन्स भी कहते हैं, लेकिन जिन्स जो है ये सही वर्ड नहीं है, ठीक है, जिन्स जो है वो बायोलॉजिकल सेक्स को कहते हैं, जिन्स। इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। पहले हम देखते हैं कि जेंडर क्या है। Gender stratification is the division of humans on the basis of their gender. उनके gender के बेस पर, ठीक है, masculine, feminine and transgender. ठीक है, masculine जो है वो मर्दाना है और feminine जो है तो ये जनाना है।
जिसको हम जनाना कहते हैं, ठीक है, मर्दाना खसूसियात यानी मुझ आपने, बॉडी आपने बनाई है, आप रिस्क ले रहे हैं, आप बाइक चला रहे हैं, अब हम कहते हैं कि ये जो है खतरों का खिलाड़ी है, ठीक है, हीरोज जिस तरह होते हैं, फेमिनाइन जो है तो ये जनाना खसूसियात होती है, ठीक है, यानी अगर कोई लड़का रोता है तो हम कहते हैं कि तुम लड़की हो कि तुम रो रहे हो। इसी तरह ट्रांसजेंडर जो होते हैं जिसे हम ख्वाजा सरा कहते हैं, ठीक है, बुरी नजर से देखते हैं, जिसे हम पश्तों में हिजड़ा भी कहते हैं, ठीक है, तो जेंडर की ये खसूसियात है कि जेंडर कल्चरल है, ये सकाफत से रिलेटेड है। इसके अलावा ये चेंज होता है वक्त के साथ साथ, ठीक है, और ये वेरी भी करता है। फॉर एग्जाम्पल नौशहरा में एक काम मर्द करेगा तो वही काम दूसरे इलाके में खातून करेगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर शॉपकीपर जो होते हैं ज्यादातर मेल होते हैं, ठीक है, अब चाइना आप चले जाएं तो वहां पर शॉपकीपर ज्यादातर फीमेल होती हैं, समझ आ रही है आपको। इसी तरह वजीरिस्तान फाटा चले जाएं तो वहां पर खवातीन घर के काम करती हैं, घर वो बनाती भी हैं, हर काम करती हैं, खेती बाड़ी भी करती हैं, और जो मर्द होते हैं उनके बड़े बड़े बाल होते हैं, बड़ी बड़ी मूंछे होती हैं, वो शीशे में देखते हैं, बालों को तेल लगाते हैं, खूबसूरत सी दाढ़ी बनाते हैं, फ्रेंच कट करते हैं। तो इट मीन्स के जेंडर रोल जो है वो चेंज होता है। स्कॉटलैंड में जो है फ्रॉक जो है वो मर्द पहनते हैं, ठीक है, मर्दानगी का निशान है। इसी तरह आज से 20-30 साल पहले जो है पिंक कलर मर्दानगी का निशान था, ठीक है, वेस्ट इंडीज के जो बॉलर्स थे वो जो है पिंक कलर पहनते थे, ठीक है, अभी भी आप वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट की हाईलाइट्स देखें यूट्यूब पर तो आपको मिल जाएगा, अभी अगर कोई पिंक कलर पहने तो हम कहते हैं कि ही इज गर्लिश। वक्त के साथ भी चेंज आता है, ठीक है, नौशहरा कॉलेज पहले यहाँ पर लड़के के हाथ में बंदूक होती थी, ठीक है, किताब की जगह, और आजकल यहाँ पर को एजुकेशन आ गया है तो लड़के भी सुधर गए हैं। इसी तरह सोशो कल्चरल रोल्स, ये माशरे का रोल है, ठीक है, कुकिंग मर्द भी कर सकता है, खातून भी कर सकती है। ये कहां पर लिखा है कि कुकिंग सिर्फ खातून करेगी, कहां पर लिखा है, वही नाजिल हुई है या हमारे जीन्स में लिखा है? नो, सोसाइटी हमें बताती है कि कुकिंग जो है खवातीन का काम है, कमाना मर्द का काम है। तो ये डिफाइन होता है कल्चर और सोशल नॉर्म्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है ना। अब हाके मेहर जो है ये मर्द को नहीं मिलता बल्कि खातून को मिलता है। फिर ये सोशल वैल्यूज इकदार डिफरेंट होती है। अब लड़की जब रिश्ता होती है लड़की में लोग खूबसूरती देखते हैं, लड़के अगर खूबसूरत भी ना हो उसका उसकी जॉब देखी जाती है, माल देखा जाता है, स्टेटस देखा जाता है, समझ आंधी पयून के नहीं आंधी पयून। फिर ये हम माशरे से सीखते हैं, इन्वायरमेंट से सीखते हैं। आपकी अगर घर में छोटी बच्ची है तो वो जो है अपनी बाजी को देखती है, वहां से सीखती है। अगर एक लड़का है तो वो अपने भाईजान से सीखता है, ठीक है ना। और ये हम रोल मॉडल्स को भी देखते हैं, फॉर एग्जांपल लड़के जो है वो स्पोर्ट्स हीरोज को देखते हैं, वो उनके लिए रोल मॉडल होते हैं, ठीक है। लड़कियां जो है उनके अपने रोल मॉडल्स होते हैं, टीवी में जो लड़कियां होती हैं उनके बाल खूबसूरत होते हैं, फिगर अच्छी होती है, तो इसी तरह लड़कियां भी उसी तरह बनना चाहती हैं, ठीक है। इसी तरह लड़के सिक्स पैक एब्स बनाना चाहते हैं, हीरोज की तरह कुछ करना चाहते हैं। फिर मेंटल स्ट्रक्चर जो होता है ये एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है, कंडीशनिंग से। तो ये जो है जेंडर स्ट्रेटिफिकेशन है, ठीक है, आपको समझ आ गई। नाउ वी कम टू डिफरेंस बिटवीन जेंडर एंड सेक्स।
तो जेंडर हमने देखा कि ये माशरती चीज है, ठीक है, और बायोलॉजिकल सेक्स जो है इसको हम उर्दू में जिंस कहते हैं, तो ये बायोलॉजिकल है, ठीक है। जापान की के मर्द की फिजियोलॉजी और पाकिस्तान के मर्द की फिजियोलॉजी एक जैसी है, ठीक है, उसका बायोलॉजिकल रोल एक जैसा है, ठीक है ना। अब्बू हमेशा मेल ही होता है ना, हम समझ आ गई, तो अब्बू फीमेल तो नहीं हो सकता। ये रिमेन्स द सेम, आज से 200 साल पहले के मर्द भी अब्बू बन सकते हैं, अभी भी बन सकते हैं, ठीक है। इट इज वेरी इजी, इट डज नॉट चेंज विद टाइम, टाइम के साथ ये चेंज नहीं होता है, एवोल्यूशन आती रहती है, लेकिन दैट इज अ टॉपिक फॉर अनदर डे। फिजिकल डिफरेंसेस हैं, ठीक है, जो बायोलॉजिकल सेक्स है इट डिनोट्स द फिजिकल डिफरेंसेस बिटवीन द मेल एंड फीमेल, ये क्रोमोसोम्स डिफाइन करता है और हार्मोन्स जो है रेगुलेट करता है, ठीक है। अगर एक बंदे में जो है मेल हार्मोन्स ज्यादा है, टेस्टोस्टेरोन ज्यादा है, तो वो मेल है, कुछ इंसानों में फीमेल हार्मोन है तो वो फीमेल है, ये न्यूरोकेमिकल है, और ये हम अपने वालिदैन से इनहेरिट करते हैं। बचपन में ही आप देखे, जो लड़का होता है बचपन से ही वो जंप पे लगाता है, शरारतें करता है, लड़की जो होती है बचपन से ही वो बातें करती है, ठीक है। हो सकता है एक लड़की जो है वो बचपन में ही जो है वो शरारतें करे और लड़का जो है वो बातें करे, जरूरी नहीं है, ठीक है। अब हम आते हैं पाकिस्तान में क्या जेंडर स्ट्रेटिफिकेशन है, स्ट्रेटिफिकेशन तकसीम, तो जेंडर स्ट्रेटिफिकेशन यानी सिंफ की तकसीम, एक को हम कहते हैं मर्द या मर्दाना, एक को हम औरत कहते हैं, और तीसरे को हम ख्वाजा सरा या हिजड़ा कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है कुछ लोगों को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये बहुत कम है, इंटरसेक्स। इंटरसेक्स वो लोग होते हैं जो ना नेचुरली कुदरती तौर पर खुदा की तरफ से वो ना मेल है और ना फीमेल है, 50-50 है, टोटली 50-50, ठीक है, पैदाइशी तौर पर। अभी आपको हंसी आ रही है ये सुनकर, अच्छा। इसके बाद जो है होमोसेक्सुअल्स हैं, ठीक है, हम जिंस परस्त, तो बख्दा तोबा, ठीक है। तो ये यानी इनका हार्डवेयर ठीक होता है लेकिन सॉफ्टवेयर इनका उलट होता है, अट्रैक्शन जो है ये अपने जेंडर की तरफ ये अट्रैक्ट होते हैं। कुछ लड़कियां जो होती हैं वो टॉम बॉय होती हैं, लड़कों के काम करती हैं, लड़कों के साथ खेलती हैं, बॉय कट करती हैं। कुछ लड़के जो हैं बायोलॉजिकली वो ठीक होते हैं, लड़के होते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर जो है उनका थोड़ा खवातीन जैसा होता है, वो सेंसिटिव होते हैं, ठीक है ना, आप बस समझदार हैं और मैं डिटेल में जाना नहीं चाहता। इसके बाद अभी हम रेस स्ट्रेटिफिकेशन पढ़ेंगे, तो यहां पर ये लेक्चर खत्म करते हैं।